हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस, आपको पता है कुछ भी चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और अगर वो चीज़ आपको मिलता नहीं तो उसका प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो चीज़ से रिलेटेड फ्रॉडिंग और स्कैमिंग भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा उन लोगों का प्रॉफिट होता है। तो आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग को यूसी के चक्कर में फंसाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि अभी कोई भी ऑफिशियल वे नहीं है जहाँ से आप यूसी ऐड कर सकते हो और यही आपका इमोशन के साथ लोग फ़ायदा उठा रहे, और आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला। इसके बाद मे भी बहुत लोगों का दिमाग जाना चाहिए कि भाई जब तक ऑफिशियल तरीका नहीं आता है तो हम लोग को वेट के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए, और फिर भी कुछ बंदे फिर भी पीछे पड़ेंगे और मुझे पता है वो स्कैमिंग का शिकार बनेंगे। बट मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना, मैं अवेयर करूंगा। तो चलो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे लोग फ्रॉड कर रहे अलग अलग लेवल में। क्योंकि कल या परसों एक बंदे मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किया था और उसने एक मुझे लिंक भेजा एप्लीकेशन का, और वो एप्लीकेशन देख के आप शॉक होने वाले हो क्योंकि वो एक थ्रस्टेड एप्लीकेशन का क्लोन है। और लिटरली वो बंदे ने बहुत अच्छा खासा अमाउंट उसमें फंसा दिया और एक भी रुपए नहीं मिला, ऊपर से उसके साथ स्कैम भी हो चुका है। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कैसे अलग अलग लेवल में स्कैमिंग होता है। इंस्टाग्राम में जाओगे तो बहुत लोग जो फ्रॉडर होते हैं वो आपको बोलेगा आपको यूसी दे देगा इतना अमाउंट में, तो वो चीज के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता दिया। बट आज का जो मैं आपको फ्रॉडिंग दिखाने वाला हूं ये भाई नेक्स्ट लेवल है। ये करने के लिए भाई अच्छा खासा नॉलेज भी चाहिए और ये पूरा फुल प्लान है जिससे अच्छा खासा लोगों का सी कटने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्लेटफॉर्म में स्कैमिंग हो रहा है। तो आपको पता है जब बीजीएमआई प्ले स्टोर में अवेलेबल था तो हम लोग के पास बहुत तरीका था जहाँ से हम लोग यूसी ऐड कर सकते थे। सबसे पहले आपको पता है ये प्ले स्टोर से हम लोग ऐड कर सकते थे, और सेकेंड जो मेथड था वो कोडाशॉप। तो कोडाशॉप आपको पता है बीजीएमआई प्रमोट करता था, उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आप बोल सकते हो जहाँ से आप मैक्सिमम गेम का करेंसी ऐड कर सकते हो, जैसे वैलोरेंट हो जाए, फ्री फायर हो जाए, सीओडी मोबाइल, एपेक्स, बीजीएमआई पहले था, और भी बहुत सारा गेम है जहाँ आप आराम से जो करेंसी उसको ऐड कर सकते हो और वो 100% जेन्युइन था क्योंकि आपका यूसी ऐड हो जाता था। तो इस बार फ्रॉडर ने क्या किया कि आपको कोई भी वेबसाइट वेबसाइट बना के नहीं दिया, ये लोग कोडाशॉप का एक क्लोन बना के दिखा दिए, और क्लोन इतना परफेक्ट बनाया है ना आप भी शॉक होने वाले हो, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कोडाशॉप का ऑफिशियल जो बोल सकते एप्लीकेशन है वो दिखाता हूँ, सो डैट आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं हम लोग इसमें आ चुके हैं। कोडाशॉप का जो ऑफिशियल बोल सकते हो जो एप्लीकेशन वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, बट कोडाशॉप खुद रिकमेंड करता है कि आप कोडाशॉप का वेबसाइट से परचेस कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा गूगल का पॉलिसी जो होता है ना वो परचेस के टाइम दिक्कत देता है एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इधर आप एप्लीकेशन में जाओगे, कोडाशॉप का एप्लीकेशन के बारे में बहुत कम लोग को पता है। इधर आप कोडाशॉप सर्च करोगे तो इधर आप देखो कोडाशॉप का एप्लीकेशन आपको दिखाई दे, इसका रेटिंग बहुत ख़राब है क्योंकि इसने खुद बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें गूगल का कुछ प्रॉब्लम होता है जब पेमेंट वेमेंट होता है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है कोडाशॉप के तरफ से भी। और वो लोग बोलते हैं कि आप उसका वेबसाइट में जाओ कोडाशॉप.com या .in और उसमें आपको ऑटोमेटिकली यूसी ऐड हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ओपन करते हैं, इधर मैं बता देता हूँ ये ऑफिशियल कोडाशॉप का ही एप्लीकेशन है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसमें भी आपको बीजीएमआई नहीं दिखाई देगा। बीजीएमआई ऑब्वियसली प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, जितना भी पेमेंट गेटवे हो तो सब बंद करके रखा है। तो इधर आप देख पाए सबसे पहले आपको एपेक्स दिखाई दे रहा, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी आपको दिखाई दे रहा, वैलोरेंट दिखाई दे रहा, तीन पत्ती गोल, उसके साथ साथ बहुत सारा जो फेमस गेम है वो आपको दिखाई दे रहा। तो ये चीज़ हम लोग को पता है कोडाशॉप से भी अभी हम लोग यूसी ऐड नहीं कर सकते। इवन अगर आप कोडाशॉप का ऑफिशियल वेबसाइट भी चल जाओगे तो उधर भी वही सिनारियो है। और इधर आप देख पर कोडाशॉप का हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ चुका था, आपको पता है इसमें भी बोला जा रहा है कि अभी बीजीएमआई का कोई भी बोल सकते हो यूसी ऐड नहीं होगा, ये लोग जल्दी से जल्दी उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको दिखाने वाला एक शॉकिंग चीज़ जिसको देख के आई गेस बहुत लोग शॉक होने वाले, क्योंकि दो दिन पहले एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था और उसने मुझे ये लिंक भेजा। सबसे पहले लिंक देख के तो मैं डर गया भाई, आपको पता कोई भी थर्ड पार्टी लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए, मे भी वायरस हो सकता है जिससे आपका डिवाइस है कोई हार्म हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो लिंक को अपने मेन डिवाइस में ओपन नहीं किया। इसके लिए मैं अपना जो सेकेंडरी फ़ोन है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कुछ भी नहीं है इसमें, उसमें मैं एक्चुअली ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। और लिटरली जब मैं ये एप्लीकेशन, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता एक सेकंड। सो गाइस, इधर आप देख पा रहे ये डिवाइस में मैं वो एप्लीकेशन को ऑन किया बोल सकते हो, लिंक में क्लिक किया, क्योंकि मैं अपना मेन डिवाइस में कोई भी थर्ड पार्टी चीज़ डालना नहीं चाहता, आपको पता है फ्रॉडिंग होते रहता है। तो ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हो ये बहुत ही पुराना है, इसमें 1.5 GB रैम है, और एक्चुअली ये डिवाइस में कुछ भी चीज़ इंस्टॉल नहीं है, मैं केवल एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए ये इसको यूज़ करता हूँ। इधर आप देख पा रहे, तो वो जो लिंक मिला था तो उससे मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। सबसे पहले नेट ऑन कर लेता हूँ, इसमें वाईफाई भी ख़राब है। तो इधर आप देख पा रहे, आपको मैं एक शॉकिंग चीज़ दिखाऊंगा। इधर आपका कोडाशॉप का आइकन दिखाई दे रहा ना, आप सोचो कि ये ऑफिशियल है, बट आप जब इसको देखोगे तो आपको शॉक होने वाला है। इसे हम लोग क्लिक करते हैं
और ये आपको एकदम ओरिजिनल लग रहा होगा, बट ये देखो कुछ दिखाई दे रहा नहीं? दिखाई दिया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है? अब अभी बताओ नॉर्मल बंदा का क्या, ये रियल है कि फ्रॉड है? इधर आप देख पा रहे BGMI आपको दिखाई दे रहा था, आप सोचोगे भाई फाइनली कोडा शॉप में BGMI अवेलेबल है, और इसमें हम लोग क्लिक करते हैं क्योंकि आप देख पर इतना बेहतरीन क्लोन किया है ना ये एप्लीकेशन को, आप देख के शौक होने वाले हो। इसमें आपको सब दिख जा रहा है, जैसे हम लोग का नॉर्मल एप्लीकेशन में आपको थोड़ी देर पहले दिखाया मेन डिवाइस में, उसके बाद ये आप देख पाए तो दोनों आपको टोटली सेम ही लग रहा है, तो आप देख के शौक होने वाले हो। उसके बाद हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, इसमें BGMI अवेलेबल है। अभी जो थोड़ा टेकी बंदे है उसको तो आइडिया हो जाए ये फ्रॉड है, बट इधर आप देख पा रहे इसमें सबसे पहले कैरेक्टर आईडी डालने के लिए बोल रहे थे, इसमें हम लोग रैंडमली कुछ नंबर डाल देंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर है क्योंकि ये फ्रॉड वेबसाइट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके साथ साथ ये UPI मास्टर और वीज़ा, तो आपने नोटिस किया अगर कोडा सा में जो भी पेमेंट होता है उसमें अलग अलग आपको गेटवे दिख जाता है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, UPI, नेट बैंकिंग, बट ये तीन ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है, और इसमें आप कुछ भी किसी को भी सिलेक्ट करके तीनों का तीनों सेलेक्ट होगा क्योंकि ये जस्ट एक इमेज है, कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। देखो ये तीनों का तीनों बोल सकते एक साथ क्लिक हो जा रहा है, और उसके बाद देख पा रहा सबसे पहला जो प्लान है 660 UC, 1800 UC, 3850 UC, 8100 UC, और एक अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे पूरा का पूरा क्लोन है। अब ये जो डिवाइस में कोई भी बोल सकते हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इसलिए ये क्या होगा कि जैसे आप इसमें क्लिक करोगे इसमें लिखा हुआ ऑल एप्स एसोसिएट विद दिस एक्शन हैव बीन टर्न ऑफ ब्लॉक और आर नॉट इंस्टॉल, तो इसमें बोला जा रहा है माइट भी इसमें बोला जा रहा है ब्लॉक किया गया है या बोल सकते हो टर्न ऑफ कर दिया गया है, और उसके साथ साथ एक और कंडीशन है नॉट इंस्टॉल, तो नॉट इंस्टॉल वाला ही हो क्योंकि इसमें कोई भी मैं फ़ोनपे पेटीएम वो सब इंस्टॉल नहीं है ये वाला फ़ोन में, इसीलिए ये शायद पेज नहीं आ रहा। बट अगर आपका सब कुछ इंस्टॉल है तो इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्टली आपको फ़ोनपे पेटीएम में भेज देगा, और उसमें आप पेमेंट करोगे तो आपका पैसा भी कट जाएगा और आपके अकाउंट में कोई भी UC नहीं आएगा। जबकि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं इसको बैक करता हूँ, ये जो कैरेक्टर आईडी है 7 से कोई भी कैरेक्टर आईडी स्टार्ट नहीं होता, फिर भी वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। आपको पता है एक्चुअल में अगर आप कोडा शॉप में जाओगे उसमें अगर आप रॉन्ग आईडी दोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो इसलिए जब जेन्युइन आईडी दोगे तभी वो एक्सेप्ट होगा क्योंकि वो जेन्युइन साइट है। बट इसमें आप कुछ भी रैंडमली नंबर डाल दो फिर भी हो जाएगा, तो कितना अच्छा क्लोन किया, नॉर्मल बंदे को उतना समझ नहीं आएगा, ठीक है? आप थोड़ा सा टेकी बंदा होगा वो समझ लेगा। उसके साथ साथ और भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये आप देख पा रहे फ्री फायर का भी ये करके रखा, मतलब एक साथ तीन चार गेम का फ़ायदा लेने वाला है बंदे लोग का। इधर आप देख पा रहे एक फ्री फायर का इधर कैरेक्टर आईडी जाएगा, उसके साथ साथ इसमें डायमंड मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इसका भी सेम सिनेरियो है जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई। तो इसमें मुझे लगता है फ्री फायर का बंदे का भी स्कैम हो रहा अच्छा खासा ये एप्लीकेशन से, फिर अभी BGMI का बंदे का भी स्कैम हो रहा क्योंकि BGMI में तो मिल ही नहीं रहा। तो इधर देखो वैलोरेंट का भी आप देख पा रहे हो, तो ये वैलोरेंट वाला आप देख पा रहे हैं इस तरह का पेज होता है, तो ये एग्जैक्टली कॉपी कर लिया है। बट इसमें वैलोरेंट में देखो PC गेम है तो एप्लीकेशन से बहुत कम ही लोग करते, PC से डायरेक्ट करते, तो इसमें इसको सही से बनाया नहीं है। देखो देख रहा खाली इमेज है ये, ठीक है, एक्चुअल में काम नहीं कर रहा क्योंकि मैक्सिमम लोग वैलोरेंट का नहीं संभाल लेंगे, आप सबको पता है, इसलिए वैलोरेंट के लोग बनाए नहीं है। जो चीज़ ये लोग क्रिएट किया वो है ये फ्री फायर, क्योंकि लोग फ्री फायर का बहुत बंदे हैं, उसके साथ साथ जो BGMI है, क्योंकि ये दो ही प्लेटफॉर्म मतलब गेम है जो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, इसका रिचार्ज करेंगे। वैलोरेंट का आपको मैं दिखाया वो नहीं किया इसलिए क्योंकि वैलोरेंट का ज़्यादातर लोग PC से ही कर लेते हैं, वेबसाइट से वो रिडायरेक्ट भी करता है। उसके साथ साथ COD मोबाइल का भी हम लोग देख लेते हैं। देखो COD मोबाइल का भी आप देखोगे इस तरह का पेमेंट आ रहा है क्योंकि COD मोबाइल का भी बहुत कम ही लोग खेलते हैं, और देखो जो जो गेम में लोग खेलते नहीं है ना उसमें आप देख पा रहे बना के नहीं रखा है, ठीक है? अब तो दिख रहा है लाइव प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ ये देख पा रहे हो 8 ball पूल का भी आप देख पा रहे हो, तो ये शायद इसको बनाया ही नहीं है पेज को 8 ball पूल का भी। तो मेनली आपने देखा दो चीज़ के अलग ध्यान रखा है, सबसे पहले फ्री फायर का स्कैम कटेगा, उसके साथ साथ BGMI की, ये दोनों ही एप्लीकेशन इंडिया में बूम में है, और ये दोनों एप्लीकेशन इंडिया में सही से अलाउ नहीं है। आपको पता है फ्री फायर मैक्स है बट फ्री फायर भी बैन पड़ा हुआ है, और BGMI का बोल सकते हो सस्पेंड किया गया, तो प्ले स्टोर सब कुछ कर नहीं सकते, तो कैसे स्कैम बनाया जाए तो आपके सामने मैं लाइव दिखा दिया। और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि स्कैमर का गलती नहीं है, स्कैमर तो जो आप चाह रहे हो वही कर रहा है, आपको UC चाहिए भाई, UC आपको कहीं से भी दिलाना है ना, तो UC के लिए आपको ये इतना मेहनत किया, वो लोग कोडिंग किया और लाखों लाखों रुपए वो लोग कमा रहे हैं और आपको फ्रॉड कर कर। ये एप्लीकेशन आपको ऐसे प्रमोट किया जाएगा आप कोई भी थर्ड पार्टी सोर्स से इसको इंस्टॉल करोगे, क्योंकि गूगल प्ले से अगर आप करते तब एक बात होता, बट ये गूगल प्ले के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, डायरेक्टली आप कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे तो आपका ये जो स्कैम कट जाएगा, ठीक है? तो होपफुली ये थोड़ा अवेयरनेस वाला वीडियो था, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई
मत खरीदो यूसी, मत खरीदो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी यूसी मिलना बहुत मुश्किल है। और रूटर का तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, 17,000 कॉइन कुछ दिन में आप देखोगे 19,000, फिर 21,000, तो वो भाई सेंस ही नहीं बनता, कैसे होगा लोगों को नहीं पता। चलो इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।